लोकसभा चुनावों को लेकर मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों ने चुनाव उम्मीदवारों एवं राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव को लेकर मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों ने गत दिवस चुनावी उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। डीआरडीए सभागार में आयोजित इस बैठक में सामान्य पर्यवेक्षक सैयद सरवदी नाम, अटोर्नी चटर्जी व मनोज जोशी और व्यय पर्यवेक्षक सुरेश लखावत मौजूद रहे। इस मौके पर निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर, पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा सहित अन्य अधिकारी व मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों से चुनाव संबंधी उनकी चिंताओं व शंकाओं की जानकारी ली गई और उनके सवालों का जवाब देकर समस्याओं का समाधान किया गया। इस अवसर पर निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने पोलिंग व मतगणना एजेंट तैनात करने संबंधी नियमों की विस्तार से जानकारी दी। निर्वाचन अधिकारी ठाकुर ने कहा कि लोग चुनाव प्रक्रिया और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी कोई भी शिकायत सीधे संबंधित क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक और चुनाव व्यय से जुड़ी शिकायत व्यय पर्यवेक्षक से कर सकते हैं। हमने आपसे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में एक बुकलेट आपको दी थी और उम्मीद ये है कि आपने उसको पढ़ लिया होगा और जो आदर्श आचार संहिता है उसके अनुसार आप अपनी गतिविधियां आगे करेंगे ताकि कोई शिकायत ना प्राप्त हो और हमारे पास फ्री एंड फेयर चुनाव हम यहाँ पर कर पाए। उसमें अगर किसी का कोई डाउट है उस जो हमने पुस्तिका आपको दी थी तो आप पूछ सकते हैं हम, क्योंकि उसमें दोहराने की उसमें लगता नहीं कोई आवश्यकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद है वो एक बड़ी लिस्ट का होता है। बड़ी लिस्ट ये होती है कि जो अगर कुछ एक बड़ी लिस्ट को अगर हम लिटरली ट्रांसलेट करें तो चिंता की कोई लिस्ट है जो आपके मन में अगर है तो आप वो बड़ी लिस्ट, आपने आज मुख्य उद्देश्य इस मीटिंग का है कि आप वो बड़ी लिस्ट, अगर आपको कोई चिंता है इस इलेक्शन को लेकर तो आप वो हमारे जनरल ऑब्जर्वर साहिबान के साथ साझा कर सकते हैं। वो चीज़ें नोट करेंगे, अगर कुछ चीज़ें अब यहाँ हल हो सकती है तो यहाँ पर भी हल हो जाएगी, अगर कुछ चीज़ें रह जाती है तो आवश्यक कार्रवाई जो है आगे की जाएगी। तो मैं मान के चला हूँ कि वो सेकेंड रैंडमाइजेशन शायद हम 8, 9 या 10 तारीख को इस तरह से कभी हम करेंगे, तो उसके लिए भी जो सूचना है आपने अपने जैसे अपने टेलीफोन नंबर हमें दिए हैं आपको उसमें संपर्क करेंगे और आपसे अनुरोध रहेगा कि उस रैंडमाइजेशन में भी आप आए और उसको आप विटनेस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन से मशीन्स कौन से पोलिंग बूथ के लिए आइडेंटिफाई हुआ।